नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मणिराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का ऊपर जो फिश फार्मर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक फार्मर को देखना चाहिए और सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आपसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप देखेंगे कि अगले साल आप जो फिश फार्मिंग किए थे या जो फार्मर अगले साल फिश फार्मिंग कर रहे थे और इस साल जो फार्मर फिश फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस दिख रहा है और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम आपको आने वाला टाइम में किस परिस्थितियों से सामना करवा सकता है और आप किस परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ सकता है, इसी ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये चीजें हैं कि अगले साल आप देखेंगे कि बहुत पैमाने पे और बहुत विस्तार रूप से हमारे फिश फार्मर फिश फार्मिंग कर रहे थे और बहुत अच्छे खासे रिजल्ट भी वो पाए थे, जिसका कारण आप इस साल आप मैंने इस चीज को मेंशन करते हुए आप देखेंगे कि अगले साल जो फार्मर फिश फार्मिंग किए थे और वो जिस हिसाब से उनको रिजल्ट मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से उनको फल मिलना चाहिए था, शायद उस हिसाब से नहीं मिल पाया। इसका कारण क्या है कि इस हिसाब से उनको नहीं मिल पाया? दोस्तों आप देखेंगे कि कोरोना एक ऐसा कहर डाला है हर इंडस्ट्री में। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि एक्वा इंडस्ट्री में भी इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसके कारण से बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो उनको प्रॉफिट करने का जगह उनको लॉस का क्या करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। दोस्तों अगले साल जो फार्मर फिश फार्मिंग किए थे वो अपने फिश को बहुत सही दाम में मार्केट में नहीं बेच पाए और उनका फिशरी में दो साल किसी का एक साल का फिश क्या है स्टॉक रह गया, रेट को देखते हुए कि रेट आएगा तो हम मछली निकालेंगे पॉन्ड से और मछली को बेचेंगे। ऐसे करते हुए क्या है कि रेट मार्केट में कोरोना के कारण बहुत सारे मार्केट बंद थे और बहुत सारे लोग जो कंजम्पशन था वो बहुत कम गया है, जिसका वजह से क्या है कि हर एक फार्मर ये इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, तो जिसका वजह से उनका स्टॉक कंप्लीट नहीं हो पाया। इस साल आप देखेंगे तो इस साल अगले साल के तुलना में इस साल फिश फार्मिंग बहुत कम हुआ है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इस साल इसीलिए कम है कि अगले साल जो फिश फार्मिंग हुआ था उस फिश फार्मिंग को बहुत सारे फार्मर टाइम से पहले अपने मार्केट में नहीं ले जा पाए, उनका फिशरी फंसा रहा और उनका पास सफिशियंट फंड नहीं था कि वो और ज्यादा पैसा अपने मार्केट में लगा पाए। तो ये सब कारण के वजह से इस साल मैंने देख रहा हूं कि बहुत सारे फार्मर फिश फार्मिंग बेहतर ढंग से और विस्तार उसका रूप नहीं दे पाए। और इसमें क्या है कि इस साल आप देखेंगे कि सीजन दो महीना लेट से स्टार्ट हुआ है, दो महीना लेट से भी स्टार्ट हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका वजह से क्या नहीं हो पाया है कि सही टाइम से सही तरीके से हर फार्मिंग वो अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल जो परिस्थिति है ये बहुत भयानक परिस्थिति है हर इंडस्ट्री के लिए। आपको पता होगा कि जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम फीड का विशेषता रूप में देखेंगे तो फीड का बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, जो हमारे हर एक फार्मर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। सिर्फ फार्मर के लिए ही चैलेंजिंग नहीं है, हर एक कंपनी हर एक इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ लोगों के लिए ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो टाइम है सुआ का जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आपको पता होगा कि ये जो फिश फार्मिंग है इसमें जो प्रोटीन का सोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज सुआ से ही आता है, तो वर्तमान टाइम में मार्केट में सुआ का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आप देखेंगे अभी का डेट में सभी कंपनियां क्या है, फीड का रेट पर केजी में किसी का 4 रुपया बढ़ा है, किसी का 5 रुपया बढ़ा है, किसी का अभी बढ़ने जा रहा है, तो परिस्थिति बहुत भयावह है।
और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट किसका ऊपर पड़ता है आपको पता है, डायरेक्ट हमारे फार्मर का ऊपर पड़ता है। और कॉस्टिंग क्या होगा, जब रेट बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि जो आपका जो कॉस्टिंग है वो हाई हो जाता है। कॉस्टिंग हाई हो जाने के कारण आपको क्या है कि मार्केट में जो फीस का रेट है वो रेट नहीं बढ़ता है, जिसके वजह से डायरेक्टली आप बोलेंगे तो ये हमारे फार्मर के लिए लॉस है। लेकिन इस टाइम फार्मर को अपने पैसों को बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, परिस्थिति हमेशा एक नहीं रहता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, अगले साल जो फीस फार्मर आपको हम बोल रहे थे कि अगले साल का तुलना में आप देखेंगे तो इस साल में क्या है, फीस फार्मिंग कम हुआ है। तो जो फार्मर इस साल बेहतर ढंग से फीस फार्मिंग किए हैं उनके लिए एक बहुत प्रॉपर मार्केट सेट होने वाला है और एक बहुत अच्छा मार्केट बनने जा रहा है। तो आने वाला टाइम में या आने वाला समय में जो मछली इनको तैयार होकर मार्केट में निकलेगा, मुझे लगता है कि उस सभी फार्मर को बहुत अच्छा रेट मिलेगा और सही दाम में अपने मार्केट में क्या निकाल पाएंगे, मछली को निकाल पाएंगे। बस ध्यान में रख के चीजों को अच्छे से अपने मछली को फीडिंग कीजिए, सही से अपने मछली को पालन कीजिए। दोस्तों समय सबका, कभी समय आपको एक जैसा नहीं चलता है, लेकिन आपको अपने उस परिस्थिति में अपने आप को क्या करना है, बनाए रखना है। आप जिस तरह से खराब समय आप निकाल देते हैं तो अच्छा समय आपको आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। तो फिश फार्मिंग भी ये जो इंडस्ट्री है, ये भी ये कोरोना का कारण से बहुत बड़े पैमाने पे समस्याओं से झेल रहा है। तो जो अभी हम देख रहे हैं ये परिस्थिति अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, बहुत सारे चीजों से अभी हमको क्या करना है, सामना करना है और इसी तहत हम सामना करते जाएंगे और इस मार्केट में क्या करेंगे हम, तरक्की सबका होगा लेकिन हमको इसे लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जो अभी अभी जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति ठीक ठाक नहीं है। फीड का बहुत रेट बढ़ने वाला है, बहुत सारे कंपनी को बढ़ चुका है और बहुत कंपनी को आने वाला टाइम में बढ़ेगा। तो इसमें आपको डरना नहीं है, आप सही से अपने चीजों को कीजिए। मेरा मानना है कि ये आपके लिए एक चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग को एक्सेप्ट कीजिए और आपको आने वाला टाइम परफेक्ट होगा, सही दाम मिलेगा और आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। तो दोस्तों चलिए ये आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।